आपका आईबीएनआई न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। देवास जिले के अंतिम छोर पर खातेगांव ब्लॉक में शासन के आदेशानुसार सहकारी संस्थाओं में फ्लेट कांटों से गेहूं एवं चना उपजन कार्य कराया जा रहा है, लेकिन प्रशासन की तानाशाही में 16 अप्रैल को सेवा सहकारी संस्था मुरजाल के प्रबंधक मनोहर पंवार को फ्लेट कांटों से तुलाई करने के कारण निलंबित कर दिया गया, जो कि एक तरफा कार्यवाही की गई, जबकि संस्था के प्रशासक मयंक रावत, अजय पाठक, संस्था प्रशासक के समक्ष खरीदी कार्य किया जा रहा था, लेकिन मात्र प्रबंधक के खिलाफ कार्यवाही की गई। इसमें प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, लेकिन जिलाधिकारी फ्रूट मैडम के द्वारा प्रशासक पर दबाव बनाकर खरीदी केंद्र प्रभारी के खिलाफ कार्यवाही की गई, जो कि एक निंदनीय है। खातेगांव क्षेत्र के सभी उपार्जन केंद्र प्रभारियों के मान्य विधायक आशीष शर्मा एवं खातेगांव अनुविभागीय अधिकारी प्रवीण प्रजापति एवं शाखा प्रबंधक द्वारा 4 अप्रैल 2023 को प्रोसीडिंग की गई, जिसमें मौखिक एवं लिखित रूप से फ्लेट कांटे से तुलाई करने के निर्देश दिए गए। सभी उपार्जन केंद्र के कर्मचारी अधिकारियों ने साथी रामकृष्ण पंवार को तुरंत बहाल नहीं किया गया तो उपार्जन केंद्र प्रभारी सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे तथा आज ही खरीदी कार्य बंद रहेगा, जिसकी समस्त जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। सेवा सहकारी संस्था के प्रबंधकों ने उपायुक्त महोदय सहकारी संस्थाएं देवास के नाम खातेगांव SDM प्रवीण प्रजापति को उक्त संबंध में एक ज्ञापन सौंपा और जमकर नारेबाजी प्रशासन के खिलाफ की। हमारे साथ जुड़ रहे हैं महेंद्र सिंह जी। महेंद्र सिंह जी, क्या समस्या है और किस बात को लेकर आज ज्ञापन सौंपा गया? शासन के आदेश अनुसार फ्लेट कांटे का खरीदारी कार्य किया जा रहा है, लेकिन शासन द्वारा दो तरफा कार्य किया जा रहा है। जब हम फ्लेट से तोड़ लेते हैं तो वहाँ पे अलग अलग किसान ढेर लगा के चले जाते हैं, लेकिन वो जब उसको तोलते हैं तो मिक्स हो जाता है, तो उसमें आपको कठिनाई होती है। इस कारण से किस प्रकार की कठिनाई आ रही है वहाँ पे? वो तत्काल तुलता नहीं है माल, नहीं जब तक पैकिंग नहीं होती, स्टेकिंग नहीं हो पाती है। हमारे साथ जुड़ना है SDM प्रवीण प्रजापति। सर, क्या मामला है? एक सेवा सहकारी संस्था के लोगों ने आज एक ज्ञापन सौंपा है। ये जो चने का उपार्जन चल रहा है, चना और गेहूँ का, इसमें फ्लैट कांटे से जो तुलाई की गई है, उसके जो शासन निर्देश थे उसके पालन में कई त्रुटि प्रलक्षित होती है, जिसके संबंध में जो कार्रवाई की गई है वो कलेक्टर महोदय से निवेदन करके जो भी इनकी मांग है उसकी पूर्ति कराएं। ठीक, ओके सर। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBNI न्यूज के साथ। नमस्कार।